और पता नहीं आज मेरी वाइफ ने क्या लगा लिया, कौन सा पाउडर लगा लिया, ज्यादा स्मार्ट लग रही है कुछ। देखा दोस्ती, आई लव यू। क्या आप मेरे लिए अपनी फ्रेंड अन्नू को छोड़ सकते हो? हैं? भगवान तेरे दाने ऐसे ही बढ़ते रहे ठीक ठाक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत 12 सितंबर से सुबह सुबह का माहौल है और धूप भी निकली ना, और धूप भी नहीं निकली। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो भाई, बाहर आने लग गए। हेलो, प्यारा लग रहा है, ये बाहर की सैर करने लग गया। और धूप भी नहीं निकली आज। और आज मैं सुबह टाइम से काम पे जा रहा हूँ, सुबह 9 बजे। और देखो टेंट मैंने लगाया था, ये ऐसा कि ऐसा बड़ा है, इसको निकाला नहीं है मैंने। मैंने सोचा है जब बारिश आएगी ना तब इसमें रहूँगा ज़रूर भाई, बारिश में रहने में इसमें बहुत मज़ा आएगा। और एक चैलेंज भी करूँगा मैं, 24 घंटे टेंट में रहने का लगातार, मतलब 24 घंटे तक टेंट में ही रहूँगा, निकलूँगा भी नहीं बाहर, कुछ भी नहीं करूँगा। तो वेट करना, वो चैलेंज जल्दी करूँगा। ये देखो गाना खुशी चल रही है। क्या गाना खुशी चल रही है? और देखो इसने, काजल ने आज कोमल का टॉप पहन लिया। कोमल आएगी तो गुस्सा करेगी। कोमल गया या कोमल पहन दे, देखी तुमने तेरी है। देखिए तेरे दाने बहुत ज्यादा नहीं हुई है, देखिए निकल गए। दिखा 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 तो एक बार, बट उससे तो बचना होगा ना। तुम कुछ लगात कहां है? हां बस लगा मत कुछ भी, ठीक है सही हो जाएंगे। ये देखो यहाँ से वहाँ फुदकता ही रहता है, घूमता ही रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। और दूसरा वाला ना देख लो, अच्छा दूसरा वाला पिंजरा ही नहीं है, वो दूसरे वाले को नहीं छोड़ते, वो जो दूसरा वाला है ना वो इससे लड़ाई कर लेता है। और हमारी वाइफ से मिलिए, अभी ये कुछ बोलने जा रही थी जब इनको पता चला कि कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन नहीं है, ये बोलने जा रहे थे नहा लो। मैं बोल रहा हूँ यार, देखो मैं बिना ना स्मार्ट रह रहा हूँ, एक तो यार मेरी बुरी आदत है मैं नहाता नहीं हूँ, मतलब इसलिए नहीं नहा रहा यार, थोड़ा सा ना मतलब गला वाला खराब है और मौसम भी थोड़ा ठंडा है इसलिए नहीं नहा रहा। और मैं इनको बोल रहा हूँ कि सही तो लग रहा हूँ, देखो स्मार्ट तो लग रहा हूँ, कोई कमी है देखो। लंच में आके नहा लूँगा, लंच में एक नहा लिए ना, लंच में तो नहीं नहा लिए, लंच में नहा लिए। तो हम जा रहे हैं काम पे और फ़ोन लेके जा रहा हूँ मैं, और लंच के बाद इनके पास छोड़ जाऊँगा और अभी मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छे बच्चे नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, ठीक है? तुम अच्छी बच्ची हो ना? नहीं अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची नहीं हो? नहीं। स्माइल बहुत प्यारी लगती है, देखो एक बार, देखो बिना बिना दांत दिखाए स्माइल करेंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी, देखो। अपने घर चलोगे? कमाल होगी, इनको कमालगंज जाने की ना बहुत मतलब वो होती है एक्साइटमेंट। ले चलूंगा यार, देखो हर चीज देखनी पड़ती है यार, देखो काम धंधा भी, फिर यहाँ का किराया भी बहुत है। अब मैं बार बार ऐसे जाता रहूँगा, अभी लद्दाख से आया हूँ मैं, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है कमालगंज में, फिर मैं जाता हूँ ना इनके घर तो मेरा मन करता है वहीं पे फिर 7-8 दिन बिता के आऊँ, ऐसा मन करता है। अब 1-2 दिन के लिए जाऊँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, 1-2 दिन फिर मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। तो वही मैं बोल रहा था जाऊँगा, जल्दी चलेंगे, टेंशन भी रह रही। अरे चलेंगे ना यार, हर लड़की को मेरे को पता है भाई, देखो हर लड़की को, हर इंसान को अपने घर जाने की रहती है, सबके सबको अपनी मम्मी की याद आती है। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा लेनी चलूँगा, ले चलूँगा पर समय आने पे ले चलूँगा, आपको टेंशन मत लो, आराम से रह के आएंगे, ठीक। आई लव यू, बाय 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 बाय। हम जा रहे हैं काम पर, बाय बाय बाय। काम पर जा रहे हैं, हमारी घर की संस्कारी लड़की, बहुत संस्कारी है, पूजा पाठ में बिजी रहती है, इसके भी पाँव छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, बहन आशीर्वाद तो देते हैं। कहाँ घूम रहा है बेटा? ये चीज अच्छा नहीं है, चलिए बदल, ये भी बदल। तो ये मेरा ब्लॉग है, इसको क्लिक कर। हाँ ब्लॉग नहीं देखा मेरा, देख इसका फोन चलवा दूँ, मेरा ब्लॉग कहाँ चला गया? ब्लॉग देखो, ओ ब्लॉग चला दिया भाई इसने, अब ब्लॉग को देखो, ये हमारा ब्लॉग है और लाइक करो इसको। देख रहे हो चूहे कितने समझदार हैं हमारे, देख काजल तेरे चूहा ने हमारा ब्लॉग देखो आज। हाँ
खुद ब्लॉग चला लो और खुद देख लो टूटी किसने खुली छोड़ दी। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बाय 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 बाय। भगवान तेरे दाने ऐसे ही बढ़ते रहे ठीक ठाक जैसे बढ़ रहे हैं और मेरी वाइफ के चेहरे पे ऐसी स्माइल रहे। हाँ। और दोस्तों आ चुके हैं अपने काम पे, 1 बज गया, घर आ गए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरे को और थक भी गया हूँ। सुबह टाइम से चला गया था ना आज 9 बजे। अब फ़ोन घर पे छोड़ के ही जाना पड़ेगा यार। और ये मेरा टेंट ऐसे ही लगा पड़ा है, बहुत गर्म हो गया होगा ये भी धूप में तो। और ताज धूप धाप ज़्यादा है कुछ। देखो भाई दोनों सास बहू एकदम मस्त कूलर के आगे लेटी पड़ी हैं, मम्मी और भाई। कादर बेचारी अकेली काम में लगी पड़ी है। चल खाना देते, कल चावल बने हुए हैं। एक तो ना मेरे को ये बात चौंकाती है, ये लोग ना दोनों एक साथ रहते ही नहीं है, वैसे लड़ाई करते रहते हैं ज़्यादातर। 100 में से 80% ये दोनों साथ में लड़ाई करते हैं, साथ में रहते ही नहीं है। और कभी कभार इनको साथ में सोता हुआ देखना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब कैसे साथ में है भाई ये, वैसे लड़ाई करते रहते हैं। और ये तो दोस्तों मस्त खाना खा लिया है और अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, 15-20 मिनट। अभी 1:30 बज रहे हैं, अभी 1:30 हो रहा है और थोड़ी देर 15 मिनट तक आराम कर लेता हूँ, फिर सोऊंगा, फिर जाऊँगा काम पे। थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है तो। और भाई 15 मिनट सोने की बोली थी मैंने, 1 घंटा हो गया पूरा, 1 घंटा सो लिया और अब चलता हूँ यार काम पे। 1 घंटा कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं तो सोचा 15 से आधा घंटा हो जाएगा 15 मिनट से। तो वो छोटी सिस्टर भी आ गई है बेचारी स्कूल से, थकी आ रही और खाना खा लिया बेचारी, देख रहे कितनी क्यूट लगती है। पता देख लोगों को पता लग जाएगी यार इनकी भाई बहन में दोस्ती आ रही है, अभी जिंदा है दोस्ती आ रही। तेरी सहेली अनु वो देख रही है, ठीक है देख ले अनु। हम दोनों भाई बहन ऐसे लड़ते रहते हैं और अलग हो जाते हैं, और मेरी बहन तेरे पीछे मेरे को नहीं छोड़ सकती, इसका ये सबूत है। ओए चल 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 चल, एक आलू गर्म चले जाए, जल्दी 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 देखा दोस्ती। अभी खुश है, पता नहीं कब इसका मूड खराब हो जाए, कब इसका मूड तेज हो जाए। और जब तक मैं कैमरा चालू करके रखूँगा ना, ये वो नहीं खा सकते एक भी चावल का फॉर्म। देखा बोला ना मैंने, सब कुछ जानता हूँ अपनी बहन के बारे में, मेरी बहन है। नाक का पसीना लगा दिया इसके ऊपर। और मम्मी काट रही है माल। बाय बाय दाने वाली अम्मा, बाय। जब कोमल से ना ज़्यादा लाड़ प्यार हो जाता है ना तो ये थोड़ी सी ना गुस्सा हो जाती है, देखो ये मेरे से कम बोलती है। अब ऐसे क्या पता कोमल तो अपनी जिगरी है, देख ले अनु। और अभी भी हमारी दोस्ती बरकरार है, देखो कोमल कितनी हंसी है, पैर मत हिला। और पता नहीं आज मेरी वाइफ ने क्या लगा लिया, कौन सा पाउडर लगा लिया, ज़्यादा ही स्मार्ट लग रही है। कुछ लगाया क्या? शाम को लेके आए थे, देखो सुंदर लग रही है। ये खून कैसे निकल रहा है? जाए फोन छोड़ के जाए, चाहिए आज मेरी वाइफ बोल रही है ले जाओ फोन, मैं घर पे ही छोड़ के जा रहा था। देख लो मैं कितना अच्छा पति हूँ, देख लो मिलेगा मेरे जैसा पति? अंधेरे में दिया जला के ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेगा मेरे जैसा पति। और ये है कि ये बात बोलती नहीं है, मैं इनको यही बोलता हूँ कि भाई मेरे जैसा पति मिलना इस जन्म में नामुमकिन है, पर ये सब ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है। सही बात है भाई, देखो ये लड़कियों को ना कितना भी कुछ अच्छा मिल जाए पर इनको वो सब भी ना कचड़ा लगता है दूध। पर मेरी वाइफ ठीक है, और हाँ इसको नहीं पता मेरी वाइफ केयरिंग बहुत है। देखो हर चीज़ कैमरे में नहीं रिकॉर्ड करी जाती, कभी कभार मेरे को ऐसा फील होता है केयर बहुत करती है। छोटा सा छोटा सामान मेरे को खिला देती है पहले, फिर बाद में खुद खाती है, और केयरिंग है, केयरिंग है काफ़ी। और भाई हर चीज़ का ख्याल रखती है कि मेरे कपड़ों का हर चीज़ का। और ये तारीफ करने के लिए मेरे को मिले हैं 100 रुपये। चलो 100 रुपये जल्दी 100 रुपये दो। हाँ यार पैसे मिल गए, ठीक है भाई ऐसी तारीफ करवाते रहना और पैसे लेते रहना। और जा रहा हूँ मैं, फ़ोन लेके जा रहा हूँ आज। मैं रहता हूँ तो मस्ती चलती रहती है यार, काम पे जाके अकेला वहीं पे रख, किसी से बात करनी ना कुछ, एकदम चुपचाप से काम करो तभी मन नहीं हो जाता है। हाँ बहन ना खाने खाते बिना वीडियो नहीं बनवाती।
अब बना तो चुपचाप से देख लेना। ऐसे भिखारियों की तरह खाना जा रही थी, जैसे 7-8 जन मुझे उसको खाना नहीं मिला। देखो अभी दोबारा गाई थी खाना दी भूखी ये। ब्लॉग देख ही रहा था, बोलेगी मेरे को अभी, मैं इसको पता नहीं चला मैंने इसकी वीडियो बना ली खाना खाते पे, बहुत गुस्सा करेगी जब ब्लॉग देखेगी। इसी बात से गुस्सा हो जाती है यार, वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता हूँ ना मैं, तभी गुस्सा हो जाती है मेरी बहन फिर से। इसका इंतजार कर रहे हैं कभी बारिश जाए, मतलब कब बारिश आए और मैं टेंट में सोऊं, कोई आज होल्ड कर देंगे। और बहुत से लोग पूछ रहे थे मेरे से कि तेरी बहन कोमल का सुंदरता का राज क्या है, क्या लगाती है। बहुत सी इसकी सहेलियाँ कमेंट करती रहती हैं कि कोमल इतनी सुंदर कैसी है, क्या है। देख लो भाई, कोमल ये प्रोडक्ट लगाती है, ये कंपनी वालों को ना मुझे स्पॉन्सर कर देना चाहिए अब तो। देख लो ये डर्मा लगाती है तभी कोमल इतनी सुंदर है। और चलो काम पे जा रहा हूँ। कोमल बहन नहीं लगा आशीर्वाद, क्या क्या करना पड़ता है यार बहन का आशीर्वाद लेने के लिए, तो बहन से दोस्ती करने के लिए सब ड्रामे करने पड़ते हैं ये। अब पानी डाल दिया मेरे ऊपर, चल आशीर्वाद दे दे बहन। ठीक है ये सब ड्रामा खड़ी खड़ी हमारी वाइफ देखती रहती हैं और बोलती रहती हैं कि क्या ड्रामा है ये भाई बहन का। पानी डाल दिया यार कोमल ने पूरा। तुम हुस्न पुरी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निर्मा ऐड आता था ये। हम बोले एक बात बोलनी है बहुत दिन से तेरे से, बोल जल्दी बोल दे। आप बोल हैं, देख तो पहले तो उतार आई लव यू। तो फाइनली 9 बजे तुम्हारा भाई आ गया है काम पे, आज आधा घंटा पहले छुट्टी कर ली क्योंकि गेम खेल ली थी मेरे को दोस्तों के संग, पबजी यानी कि जो बीजीएमआई बोलते हैं इसको, अपने आप बीजीएमआई बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो, इतनी जल्दी क्यों सो गई? ये देखो दोस्तों लड्डू गोपाल देख रहे हैं कार्टून। कौन सा कार्टून है जो? पता नहीं क्या देख रहे हैं भाई, लिटिल कृष्णा देख लो भाई, फुल सेवा। तो दोस्तों अब थोड़ी सी गेम खेलूंगा, 9 बज गए देखो, अब थोड़ी सी गेम खेलूंगा दोस्तों के संग, फिर खाना वाना तभी खाऊंगा, फिर ब्लॉग एडिट करूंगा भाई, बहुत काम होते हैं। फिर कल सुबह पार्क भी जाना है, कल इसका सेंटर भी देखने जाना है, इसका सेंटर पड़ा है ना, मतलब इसके बाहर एग्जाम है बोर्ड के। ये देखो कैसी हंसती रहती है जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ, शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या। क्या आप मेरे लिए अपनी फ्रेंड अन्नू को छोड़ सकते हो? हैं हैं, मस्त कूलर के आगे बैठ गया और देखो बिजली ले ली भाई, ठंडर भी लग रही थी, थोड़े कपड़े उतार दिए लगाए कान में और अब पबजी स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों मस्त पबजी उबजी खेल ली दोस्तों के साथ और फर्स्ट टाइम चिकन डिनर भी कर लिया, पहली गेम थी पहली बार चिकन डिनर, और ना भी लिया हूँ मैं। तो आप बोल रहे हो कि रात के 10:30 बजे, 10:30 बजे कौन नहाता है भाई, मैं ना लिया क्योंकि ये मोहतरमा से मैंने बोला कि मेरे को खाना परस दो, तो इनका पता क्या कहना था, पहले ना किया हो फिर खाना मिलेगा, क्योंकि 2 दिन हो गए थे ना नहाया नहीं था। और अब खाना खाते हैं और ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ब्लॉग एडिट करूँगा अभी 11:30 बजे तक, फिर सुबह पार्क भी जाऊँगा। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और लाइक करना है तो कर देना, वरना आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, कल सुबह पार्क जाऊँगा दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलूँगा। बाय।